जेंटलमैन ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुकी है। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये प्रोजेक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी हाई निकला। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट एपिसोड की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गुंडागर्दी से ही, जहां पे इकबाल मुन्ना ने काफी कमाल की एक्टिंग की है। डॉन रेमती को दिखाया जाता है जो कि इकबाल मुन्ना से हल्फ लेता है सबके सामने। हल्फ में कुछ कामों के साथ साथ इकबाल मुन्ना को प्यार करने से भी रोका जाता है कि तुम लव नहीं करोगे, और इकबाल मुन्ना का रिएक्शन होता है लव बोले तो प्यार। तो ये डायलॉग काफी कमाल का था। और प्यार वाले हल्फ पे मुन्ना थोड़ा सा डिसमिस हो जाता है, लेकिन बाद में रेमती इमोशनल हो जाता है तो मुन्ना हल्फ उठा लेता है कि वो प्यार नहीं करेगा। और सारे हल्फ उठवाने के बाद आखिर पे कोरंगी दो इलाका मुन्ना के स्पुर्द कर दिया जाता है। इलाके की जिम्मेदारी संभालने के बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि मुन्ना एक बदमाश हुंडे को सबक सिखाने के लिए उठाता है। रोड ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है। उसी ट्रैफिक में जरनाब भी मौजूद होती है, और जरनाब मुंडे को हुंडा समझ के उसकी रोड पे ही क्लास लगा देती है। और उसी क्लास के दौरान पहली नजर में ही मुन्ना अपना दिल दे बैठता है जरनाब को। लेकिन मुन्ना गुंडा नहीं होता, वो सिर्फ गुंडों को गरीब लोगों का हक खाने से रोकता है, और जरनाब उसको गुंडा समझ बैठती है। अब समझ मुझे ये नहीं आ रही कि इसको मुन्ने की बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि फर्स्ट एपिसोड में पहली नजर में ही मुन्ने को जरनाब से प्यार हो जाता है। लेकिन मुन्ना अपने पंडरों को भी ये बात शो नहीं करवाता कि उसको प्यार हो चुका है। बट रुकिए, स्टोरी में ट्विस्ट तो आना ही था, लेकिन मुझे ये फारिस अहमद जो कि असिस्टेंट कमिश्नर वाला ट्विस्ट है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्विस्ट अच्छा ना लगने की रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि जरनाब भी फारिस अहमद को पसंद करती है। फारिस अहमद का ट्रांसफर भी कराची में हो जाता है, और अब इकबाल मुन्ना और रेमती से इसका आमना सामना रहेगा। दिलभर के कैरेक्टर की अगर बात करें तो काफी फनी कैरेक्टर है, और गुंडा टाइप का टच भी इसमें मौजूद है। दिलभर का सीन थोड़ा फनी होने के साथ साथ थोड़ा सा सेंटी भी होता है। फर्स्ट एपिसोड में ही जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती है, और उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिलती। और दिलभर इकबाल मुन्ना को बददुआ देता है कि आपको भी आपकी मोहब्बत ना मिले, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही सब कुछ आपके साथ हो। मुन्ना भाई को बददुआ देने की रीजन ये होती है कि वो दिलभर की मदद नहीं कर सका, और लड़की का निकाह किसी और के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से सैंटी होकर दिलभर मुन्ना भाई को बददुआ देता है। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं ये बददुआ मुन्ना भाई को लगेगी, क्योंकि मुन्ना भाई को प्यार हो चुका है जरनाब से, और जरनाब मोहब्बत करती है किसी और से। बाकी अगर ओवरऑल ड्रामे की बात की जाए तो इसका थीम, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ काफी हटके है, जिससे वाइब बहुत ही कमाल की आती है, फुल ऑन गैंगस्टर वाइब। और बाकी ड्रामों से थोड़ा हटके है ये ड्रामा, और स्पेशली बोलने का अंदाज, इसकी डायलॉग डिलीवरी काफी कमाल की है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कैसी लगी जेंटलमैन की फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को। और जाते जाते चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दें लाइक। शुक्रिया।